पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है अब ये तो आप देख सोशल मीडिया पे चलेगा। जी तो दोस्तों, बिलावल के मुंह से तो भूल चुकर फनी जुमले निकल जाते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत तो जानबूझकर ऐसी बात करते हैं कि साथ खड़े हुए सभी लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि ये क्लिप देख लें, जब इनको बार बार गुलदस्ते वही उठाकर दिए जा रहे थे तो इन्होंने आखिरकार बोल ही दिया। और इस बच्चे ने तो अखीर कर दी यार, इसकी भी सुन लो। पहले हमने इनको सिर्फ बल्ला घुसाना था, अब हमने इनको चनक मूली गाजर शाही घुसा देनी होनी। यहाँ पर कैप्टन सफदर को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि बिलावल साहब की मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। कि उनके वालिद मोहतरम ऑल पाकिस्तान दामादो की जो यूनियन है उसके चेयरमैन है और मैं सदर। अच्छा, और अब से कुछ देर पहले क्रिकेट मैच में इमरान खान की तस्वीर उठाए तमाशा ही देखा गया। पीटीवी ने फौरन नशरियात रोककर पीटीवी का लोगो चला दिया। पाकिस्तान के फनी पॉलिटिशियंस की बात हो रही हो तो हमारे छोटे डॉन, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कैसे पीछे रह सकते हैं। यहाँ पर देखें इनकी हरकतें और इनकी नकल, ये लड़का देखें कैसे उतार रहा है। शेर अफजल मरवत का भी ट्रॉलिंग लेवल अलग ही है। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि लगता है इनको बैंगन बहुत पसंद है, लेकिन सवाल ये है कि किसको। नवाज शरीफ को शेर का निशान दे दिया, मत मारी गई थी आपकी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर देखें शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ की भी क्लास ले रहे हैं। कख फिराते रहे, इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में अवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारान जिस तरह अपने इंतखाबी निशान की कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वाले भी सोचते होंगे कि बल्ला ही रहने देते तो अच्छा था। अब इस बंदे को देख लें जिसे बोतल का निशान मिला है, तो इसने कंपेन करने का कौन सा तरीका इख्तियार किया। तुम कर लो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। नवाज शरीफ के जलसे में 5,000 रुपए लेकर जाने वाले शख्स के साथ क्या हुआ देखें। 5,000 रुपए लेकर नवाज शरीफ से जलसे से गया, ये अगर गया तो किसे 5,000 ही काट ले। यहाँ पर भी देख लें शेर अफजल मरवत कैसे कंपनी की क्लास ले रहे हैं। इमरान खान साहब को डंबल मांग रहे हैं, आपने फिर तैयारी पकड़ ली। उन्होंने कहा कि ये हमें तो इस्त्री नहीं दी जाती, हमारी तो मैडम जो थी वो फ्राई पैन के जरा के साथ कपड़े इस्त्री कर देती। बस उनकी मैडम जो है ना बड़ी मायर है, वो फ्राई पैन के जरिए जो है इस्त्री करती थी। आप इससे उनकी महारत का अंदाजा लगा दे। माशाल्लाह क्या कमाल की उन्होंने दुख्तरे ने परवीन पैदा की। वैसे कभी भी पाकिस्तानियों को इन पॉलिटिशियंस की आपसी नूरा कुश्ती से मुतासर नहीं होना चाहिए। ये देखें मरियम नवाज बिलावल से क्या कह रही है कि अंदर से हम एक ही हैं। अभी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। पेरिस में शहबाज शरीफ का न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेट से खिताब, कोई बंदा इसका तर्जुमा कर दे तो भाई उसको 500 रुपए इनाम। If you go for that restructuring or something else, that will not be good for the country. इन माँ जी की भी बात सुन लें जो किसे वोट डालना चाहती हैं। पीटीआई माँ नवाज शरीफ नु नहीं पाना, फांसी मिले जा खाना। माँ नवाज शरीफ आगे वोट पाना, पीटीआई नु पाना नहीं, नून लीग नु। पर हम मरे मरे मियां मान कर रहे तेरे ते माँ पर हम मार। और लतीफ खोसा साहब ने देखें बता दिया कि ये जलसे क्यों नहीं कर रहे। ये बताएगा कि जलसे वलसे आप लोग नहीं कर रहे, क्या वजह है। हमारे जलसे ये खुद कर रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे देहातों में वो मरासी को पैसे देकर भेजा करते थे जिम्मेदार के, जी जाके टैका मेरा बने। वो ये खुद हमारा टैका बना रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ये मुफ्त के मरासी हमें।
भाई ये कब बड़ा होगा, बारिश आता है तो पानी आता है के बाद पेशे खिदमत है KFC के सुबह हुकूमत भी आपका, KFC भी आपका, वफा भी आपका, और जब KFC मिल के चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को इन अम्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया कि एंकर भी हंसते हंसते गिर गया। आप मियां साहब के चौथी दफा वजीर आजम बन पाएंगे? अल्लाह का हुक्म है, वो बनाएगा। तो मियां साहब की फुल सपोर्ट करती हैं? नहीं, मियां जी फास हो गया, मियां जी फास हो गया। इस बंदे ने तो एंड कर दिया यार, पाकिस्तान की जान छोड़ दो अब। उस्मान बुला के फेंक, की कर गया हो? उन्होंने मेट्रो बनाई, मोटरवे बनाई, ले जो मैं बिरयानी नॉन लीग की, लेकिन वोट इमरान खान का। ऐसे इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देना है। गोटी रखा रहे हो नवाज शरीफ दी, वोट देने इमरान खान। पैसा किंदा है? ऐ सारा पैसा साडा ही है। साडा ही है? कित्थों आया? तुसी इत्थों रोटी खा के वोट क्यों देना इमरान खान? इस इंटरव्यू के दौरान इस बच्चे ने ऐसी बात कह दी कि आप हंसने पर मजबूर हो जाओगे। बात हो रही थी बिलावल भुट्टो के वजीर आजम होने की। वजीर आजम बिलावल भुट्टो है यार, बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम बनेगा तो मुल्क ठीक करेगा। चलो ये चलो आप बताओ, तो वजीर आजम बनेगा तो ठीक यार, तो बन तो जाएगा लेकिन ठीक नहीं करेगा, उसकी जगह खुसरे को खड़ा कर। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।